हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है ई ज्ञान। दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इसको काफी लोग देख रहे हैं और हमसे काफी सवाल भी पूछ रहे हैं। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ सबका जवाब यहाँ से मिलेगा और तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। दोस्तों, आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल करें डायरेक्ट, या फिर हमें कॉमेंट में लिख के सवाल करें। और दोस्तों, सवाल करते वक्त अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। जो सवाल है कलकत्ता से मनोज गुप्ता जी, हाँ डॉक्टर मनोज गुप्ता ने हमसे सवाल किया है कि जो भी इंसान दिखते हैं या दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं सब एक जैसे दिखते हैं, सबका एक जैसा शरीर है और सबका एक जैसा खून है। जी हाँ दोस्तों, सभी इंसान का एक जैसा, एक ही रंग का एक जैसा खून है। लेकिन उन्होंने सवाल जो किया वो बड़ा ही मतलब प्यारा सवाल था और बड़ा ही अच्छा जवाब सवाल था। तो उनका सवाल ये था कि जब सभी लोग एक जैसे दिखते हैं और एक जैसा खून है, तो जब इंसान एक जैसे हैं तो उनका भगवान या गॉड, सबका भगवान अलग अलग क्यों है? किसी का गॉड है और किसी का अल्लाह है, किसी का भगवान है। दोस्तों, दोनों का उनका सवाल यही था कि जब इंसान एक जैसे हैं तो भगवान अलग अलग क्यों हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब अच्छे से जानने के लिए चलते हैं कारी फारूक जी के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप सभी हजरात को, वीडियो देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, आज का जो सवाल आया है, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी ने सवाल किया है, उन्होंने बहुत ही अहमियत का सवाल किया है। उन्होंने सवाल जो किया है, उनका ये सवाल ये है कि हम इंसान इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा किए गए वो सभी एक तरह के दिखाई देते, सभी का खून एक है, हम लोग हर इंसान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन सवाल एक और, उन्होंने एक सवाल में एक और सवाल किया कि जब हर इंसान एक तरह से दिखाई देते हैं, सभी का खून एक है, सभी का ये एक है, तो हम लोगों का भगवान अलग अलग कैसे? हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमानों का भगवान अलग है, और मुसलमानों का अल्लाह है, हिंदुओं का भगवान है, ईसाइयों का गॉड है। तो डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल आपका ये है, सबसे पहले सवाल का ये है आपका जवाब कि इंसान सभी का शक्ल पहले तो अव्वलन अल्लाह ने अलग अलग बनाया, दूसरी बात खून दिखाई एक देता है लेकिन ब्लड ग्रुप अलग रहता है, और आपका सवाल जो है कि भगवान हर किसी का अलग अलग है। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, भगवान किसी का अलग नहीं है, आपने भी आप भी कहते हैं, सभी कहते हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर है कि गॉड, ईश्वर, अल्लाह सब एक है, अल्लाह और गॉड, ईश्वर सब, ये सारी दुनिया तस्लीम करते हैं कि अल्लाह एक है, गॉड एक है, ईश्वर एक है, तो फिर लोग दूसरी तरफ कैसे चलने लगे? तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि गॉड या ईश्वर या अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाए तो दो चीज बनाए, एक बुरी और एक अच्छी। इंसान अच्छे की तरफ जाएगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा, और बुरे की तरफ जाएगा तो वो जहन्नम में जाएगा, यानी कि नर्क में जाएगा। तो नर्क में ले जाने वाली चीज आप भी जानते हैं और दुनिया के सारे इंसान जानते हैं कि एक शैतान होता है, एक फरिश्ता होता है। तो शैतान उस रब से दुश्मनी लेकर आया, क्योंकि उस शैतान को जो है अल्लाह ने, एक ईश्वर ने और गॉड ने जब बनाया
तो इसका शैतान का बहुत बड़ा मर्तबा था, लेकिन उसने इंसान के सामने मना कर दिया झुकने से। तो ये ऊपर वाले को नाजगवार गुजरा, उन्होंने उसे दुनिया में फेंक दिया। तो उसने कयामत तक की मोहलत ली कि अल्लाह, जिस इंसान को बनाने के लिए तूने मुझे आसमान से जमीन पर फेंक दिया, उस इंसान को मुझे मोहलत कयामत तक की मिलनी चाहिए कि मैं उसको भटकाऊंगा, मैं तेरे रास्ते पर चलने से उसको भटकाऊंगा। तो अल्लाह ने उसको इजाजत दे दी। अब लोग जब दुनिया में आए, सारे इंसान जब दुनिया में आए, तो वो सिर्फ अल्लाह को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, गॉड को मानते थे। तो शैतान जो है उनको धीरे धीरे भटकाना शुरू किए। तो उन्होंने एक इंसान के जहन में एक ये डाला, एक शक की बीमारी जिस तरह से आजकल के दौर में होती है, उसी तरह से उसने एक जहन में अल्लाह का एक खाका डाला इंसानों के जहन में कि अल्लाह ऐसा होगा वैसा होगा। तो इंसान ये सोच सोच कर उसने पुतला बनाया। जब वो पुतला बनाया वो इंसान, तो लोग उसी की पूजा करने लग गए। तो अल्लाह ने उनको समझाने के लिए हर दौर में नबियों को भेजा। अब नबी कितने आए? कमोबेश 1,24,000 नबी आए। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी दीन के या किसी भी मजहब के मानने वाले हो, उनके भगवान को उनको गलत ना कहो। क्या पता अल्लाह उसी के शक्ल के भेजे हो, लेकिन उनके भी इसमें भेजा गया हो और वो लोग रास्ते से भटक गए हो, शैतान उसे भटका दिया। तो जब उसको भटका दिया गया, तो लोगों ने अपने अपने जहन के तरीके से उन्होंने पुतला बनाया, उसकी पूजा करने लग गए। लेकिन सब, सारी दुनिया मानती है कि ईश्वर गॉड अल्लाह एक है, अल्लाह एक ही है, गॉड भी एक ही है, ईश्वर भी एक ही है। लेकिन उसके बनाए हुए पुतले, शैतानों के जहन का खाका जो बनाया हुआ है, वो इंसान उस पर अमल करने लग गया, लोग उनकी पूजा करने लग गए, बुतों की पूजा करने लग गए। तो जिसकी वजह से हम और आप समझते हैं कि ये जो है, इसकी पूजा करने से, इनको मानने से अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह या भगवान ये देता है, इनकी बात सुनता है। लेकिन सब कहते हैं ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान गॉड एक है, सभी जानते हैं। लेकिन इससे मांगने से मिलता है तो लोग जाते हैं। जैसे कि हम लोगों के अंदर कुछ लोग मज़ारों पे जाते हैं, बहुत सारी वजूहात होते हैं कि चलो बुजुर्गों से मांगेंगे, दुआ करवाएंगे, तो वो लोग मज़ारों पे जाते हैं, उन्हें उनकी ये करते हैं। हिंदू भाई अपने उस भगवान से मांगने लगते हैं उनके जरिए से। तो ऊपर वाला इंसान जो जिस तरीके से मांगता है उसको उसी तरीके से दिया जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ने मना किया है कि मेरी जात में किसी को शरीक ना कर, मुझे भगवान ना बना, मुझे पुतलों से नफरत है। वो शैतान का एक खाका बनाया हुआ है जिसे लोग पूजते हैं। और ये मुसलमानों के अंदर ये है कि वो पुतलों को नहीं पूजते हैं। आए हमारे भी नबी, हमारे भी सहाबा, उन्होंने जैसा समझाया वैसे ही हम लोग उस पर अमल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने शैतान के बहकावे में आकर पुतलों की पूजा करने लग गए, बुतों की पूजा करने लग गए, जिसकी वजह से हर इंसान कुछ अलग मजहब के हैं, कुछ अलग मजहब के हैं, तो सबकी सोच अलग हो गई। लेकिन अल्लाह और गॉड और ईश्वर एक ही। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का, दोनों का जवाब मिल गया होगा, और इंशाल्लाह आप कोशिश करें और सभी को बताएं कि ईश्वर अल्लाह एक है। बस मानने वालों ने अलग-अलग तरीके से मानने लग गए। शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए और सवाल करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मनोज गुप्ता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और काफी, मैं जहां तक समझता हूं, काफी अच्छा ही जवाब मिला होगा कि आप इन सब झमेले में ना पड़िए। आप गॉड हो, अल्लाह हो या ईश्वर हो, एक मानिए, जब इंसान है तो उनका भगवान भी एक ही होगा, होगा ही नहीं, उनका भगवान भी एक है। और दुनिया के झमेले को छोड़िए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत की ही पूजा करें। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोई सवाल पूछने के लिए हमें व्हाट्सएप करें, कमेंट करें और अपने
नाम और शहर का पता दें, मैं हम इस वीडियो के जरिए आपका जवाब बताएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।